Hello everyone, welcome back to my channel. In this lecture, we will be covering collection, preservation, packaging and forwarding of biological sample vomit. हम vomit की आज बात करने वाले हैं, किस तरीके से अगर हमें vomit मिलती है तो उसको हम collect करेंगे. Before starting this video, if you are new to the channel, so please subscribe to the channel, like the video and press the notification bell icon for any latest updates. So let's start our today's lecture, जिसमें हम देखेंगे कि vomit को हम कैसे पूरे तरीके से collect करेंगे, pack करेंगे, preserve करेंगे और reference cell में forward करेंगे. उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि vomit होती क्या है. So vomit is basically the food material which has been sent out of the body through mouth. ठीक है भाई, involuntary action होता है, इस पे कंट्रोल नहीं होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, जिसे हम साइंटिफिकली एमिसिस भी बोलते हैं. ठीक है, दैट मीन्स थ्रोइंग अप या फिर इनवॉलेंट्री एम्पटिंग ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, सिंपल टर्म्स में. ठीक है, एमिसिस भी बोलते हैं, EMESIS, एमिसिस, इसको हम साइंटिफिक वे में बोलते हैं. अब मान लीजिए हमें वॉमिट मिलता है किसी भी क्राइम सीन पर, तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन काफ़ी इजी होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन आपको भी पता होगा. वोमिट दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, येलो, ग्रीन, ब्लैक, कैसे भी कलर का लिक्विड हो सकता है, अनडाइजेस्टेड या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है तो वो आपको दिख जाएगा. कहाँ मिल सकता है? ज़मीन पर, ठीक है, क्लोथ्स पर. किस केस में ज़्यादातर ये मिलता है? पॉइजनिंग के केस में. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, आपसे पूछा जा सकता है कि हमें किस किस केस में ये मिल सकता है. तो हमें पॉइजनिंग के केस में और किसी क्रिटिकल डिसीजेस के केस में भी वॉमिट सैंपल्स मिल सकते हैं. बहुत कम मिलते हैं वॉमिट सैंपल्स, बट स्टिल पॉइजनिंग के केसेस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं. अब आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. सारे बुक्स, PDFs, नोट्स वहीं पर मिलते हैं, साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो. अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम वॉमिट को कलेक्ट और प्रिजर्व कैसे करेंगे. तो सबसे पहले तो जब हमें वॉमिट आइडेंटिफाई हमने कर लिया, केसेस में पॉइजनिंग के मामले में वॉमिट मिला है, तो हमें उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंटेमिनेट भी हो सकता है इजीली वो. ठीक है, कंटेमिनेशन बहुत जल्दी होगा. अगर हमें वॉमिट सॉइल के साथ मिक्स मिलता है तो हम क्या करेंगे? स्पैचुला की मदद से, ठीक है, स्पैचुला सबको पता होगा, स्पैचुला की मदद से हम उसको प्रिजर्व कर लेंगे. ठीक है, किसी भी प्लास्टिक बॉटल में ग्लव्स पहनकर, ध्यान रखना, ग्लव्स पहनकर हम उसे प्रिजर्व कर लेंगे. मान लो अगर ऐसे पूरा, अगर मिक्स नहीं भी है, नॉर्मल तरीके से वॉमिट मिला है, तो अगेन हमें वही स्पैचुला की मदद से उसको लेना है और एक बाइल में या ट्यूब में जो है हमें इसको प्लास्टिक बॉटल में जो है प्रिजर्व करके रख लेना है. सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं इसमें मिक्स करना है. जैसा सैंपल है, जिस कंडीशन में है, बस आपको उठाना है और उसको पैक कर लेना है. दैट्स इट, नथिंग. और कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. यही था वॉमिट का प्रिजर्वेशन. बहुत ही छोटा सा मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि वॉमिट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, बहुत रेयर केसेस में, पॉइजनिंग के केसेस में मिल सकता है, कोई डिसीज है किसी पर्सन को, उस केस में नहीं तो वॉमिट नहीं मिलता है. क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर देना और बाकी के वीडियोस भी देख लेना. ब्लड, सीमेन, सलाइवा, सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए, उन सबको भी आप देख लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.